मैं रूबरू करा रहा हूँ कि आज छात्राओं ने क्या किया इस प्रोग्राम में। बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा मेरे साथ। आदित्य केशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। बच्चे संदेश दे रहे हैं अपने देश की कल्चर का, अपने देश की एकता और शक्ति का, सौहार्द का, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी की वेशभूषा पहनकर एकता का संदेश दिया। यही है वास्तव में मेरे देश की एकता और संस्कृति। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ केशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, खास तौर से जानसठ के स्कूल के अंदर। वहाँ की आपको ताजा तरीन तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार देखते रहिए कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अनुसार उस वेशभूषा के अंदर एकता का संदेश भी दे रहे हैं। और यहाँ पर सात सौर से पहुंच गए हैं, जो कि यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं विक्रम सैनी के अलावा यहाँ पर और दूसरे भी चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। भावेश गुप्ता का जो एक कार्यक्रम है एम्बियंस एकेडमी का, यकीनन आज यादगार सिद्ध होगा, क्योंकि इसके अंदर एकता और सौहार्द के लिए प्रेरित किया है छात्रों ने जो प्रदर्शन किया है यहाँ के मैनेजमेंट ने, वो काबिले तारीफ है। बने रहिएगा न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। देख सकते हैं वो तस्वीरें हैं जहाँ पर छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबको मनोरंजित कर दिया। सुंदर बैंड तरीके से नजारे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी से ये नृत्य कर रही है छात्राएं। खासतौर से जुड़ रहे हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सैनी यहाँ पर मौजूद है एम्बियंस एकेडमी में। आइए जानते हैं आज वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे, क्या रहा क्या कहा। सर स्वागत है यहाँ पर। आज खासतौर से आपने बच्चों को अब कोई एक सीख दी है, क्या था आपका जज्बा, क्या सोचती, क्या देना चाहते हैं बच्चों को? बहुत सुंदर बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा जो भी कार्यक्रम किए, चाहे नृत्य हुआ, सॉन्ग हुआ, बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये भारत माता की रीढ़ है, भारत माता का, भारत का भविष्य है, देश का भविष्य है, तो इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहें। उनका बहुत बहुत क्या कोई सरकार की तरफ से कुछ आप विशेष अनुदान वगैरह भी अब बच्चों के लिए, विकास के लिए? नया हमारे भावेश जी को अनुदान की आवश्यकता ही, ये तो भावेश जी सक्षम है और बच्चे अपने आप में इनके गार्जियन सक्षम है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। अब लग रहा है कि एक अच्छा स्कूल मिल गया है क्षेत्र को, बहुत अच्छा विद्यालय मिला है, टॉप विद्यालय। ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था है, इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसके लिए भी सरकार को श्रेय मिलेगा, योगी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को मिलेगा, इस भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता का भी श्रेय है, क्योंकि अब कोई बहलाने फुसलाने वाला नहीं है। पहले ऐसे राजनीतिक दल थे, नेता थे, जो जनता को भड़काते थे, अब उनकी हिम्मत नहीं है, वे भड़का दें। दंगा कोई नहीं चाहता, कोई झगड़ा, ना हिंदू झगड़ा चाहता है, ना मुसलमान झगड़ा करना चाहता है। वे कुछ लोग दलाल, जो राजनीतिक दलाल थे, वे उकसा करते थे, अब उकसाने वाले एक तरह से डाउन हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है, तो सब शांति के साथ रह रहे हैं, तो मंदिर भव्य मंदिर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे विधायक खतौली विधानसभा क्षेत्र के विक्रम सैनी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्री को भी पूरा श्रेय दिया है कि जिन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं भी दंगा नहीं होने दिया है। और उन्होंने कहा कि कहीं भी होने हर जगह शांति व्यवस्था कायम रहेगी, शांति से रहना चाहते हैं। चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे।
बोली है। हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रबंधक भावेश पहलवान जी, बताइए आज का कार्यक्रम क्या था, कैसे तैयारी कराई आज के? आज जो है बच्चों का एक स्कूल में जो इंटरनल अनुशासन समिति बनती है उसका शपथ ग्रहण समारोह था और बच्चों को कार्यभार सौंपने का कार्यक्रम था। उनको बच्चों को अनुशासन की ओथ शपथ कराई जाती है, उनको बैच दिए जाते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी आज से हैंडओवर की जाती है। उनको स्कूल के अनुशासन के लिए क्या क्या काम करने हैं, उसकी जो भी बच्चों की पोस्ट होगी वो अपनी पोस्ट पर आज से कार्यभार ले लेंगे। क्षेत्र में अब तक की क्या उपलब्धि है आपकी शिक्षा क्षेत्र में जब से आपने स्कूल कायम किया है? हमें अभी तीसरा साल इसमें जानसठ में स्कूल खोले हुए तीसरा साल है और हमने तीन साल में क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन, बच्चों में संस्कार विकसित करना और अनुशासन, ये हम इस तरफ प्रयासरत हैं और हमें काफ़ी सफलता मिली है। क्षेत्रवासियों का हमें पूरा सहयोग मिला है हमेशा और क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम लोग लगातार अपना आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ विशेष जल्दी आपको देना जा रहे हैं स्कूल के अंदर कोई? अभी हमारा इस साल 9th तक हम क्लास चला रहे हैं, हमारी 10th की एप्लीकेशन CBSE से हो चुकी है। अभी हम जनवरी फरवरी में 12th के लिए अपना आवेदन CBSE में करेंगे तो नेक्स्ट ईयर तक हमें 12th की एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, तब हम 12th तक क्लास संचालित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं नगर के प्रथम नागरिक चेयरमैन प्रवीण भड़ाना एडवोकेट, आइए जानते हैं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में आज वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, क्या रहा, क्या अच्छा लगा, उन्होंने क्या देखा? जी जय साहब, MBS अकेडमी में आप गेस्ट थे, कैसे रही व्यवस्था, क्या रहा? देखिए सब प्रथम तो बात ये है कि हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा के मंदिर में गेस्ट ऑफ ऑनर बनने का मौका मिला या हमें विद्यालय प्रशासन ने हमें इस योग्य समझा, उस विद्यालय की जो है अलंकरण समारोह में पहुँच सके तो हमारे लिए यही अपने आप को गौरव की बात है, क्योंकि मेरी दृष्टि में विद्यालय अपने आप में वो चीज़ है इससे भव्य, इससे सुंदर कोई दुनिया में चीज़ नहीं हो सकती। मैं मंदिर या गिरजाघर या मस्जिद या कुछ भी चीज़ कह सकते हैं या कह सकते हैं कि कोई भी सुंदर से सुंदर कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन उन सबसे सुंदर अगर कोई व्यवस्था है तो विद्यालय की है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, वो जो जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरती हो या जिसके अंदर उसको जीने का नज़रिया उसको सिखाया जाता हो, उसको जीने का तरीका सिखाया जाता हो या कैसे जीवन को बेहतर बना करके वो इस समाज में अंदर व्यवस्था के अंदर अपना सहयोग दे सकता हो, कैसे देश की तरक्की में वो योगदान कर सकता हो, कैसे इबादत तक करना सिखाया जाता है विद्यालयों के अंदर, तो इसलिए मेरे लिए गौरव की बात भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं विद्यालय के अंदर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के छात्रों के लिए खास कार्यक्रम में आज देखा? जैसा कि मेरी दृष्टि से, चूँकि मैं बहुत विद्यालयों में रहता रहता हूँ अक्सर, तो मैंने देखा कि दिल्ली और नोएडा जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं उनके अंदर भी इतनी शानदार तरीके से वो कार्यक्रम की अभिव्यक्ति, जिस प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं कि चाहे वो स्पोर्ट्स के द्वारा हो, चाहे वो आपके अपनी किसी ऐसे कार्यक्रम को धार्मिक हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो परफॉर्मेंस किसी टाइप की हो सकती है, उन सारी परफॉर्मेंसेज के बीच में उत्कृष्टता का जो नज़ारा मुझे दिखाई दिया वो मुझे अभिभूत करने वाला था और कोई मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं उन चीज़ों की कैसे तारीफ कर सकूं। तो ये नीट थी, क्षेत्र की ज़रूरत थी कि इस तरह का विद्यालय खुले या और भी खुले, कोई क्या कहना चाहेगा इसके बारे में? देखिए चूँकि हमारा क्षेत्र कितना बड़ा है उसके हिसाब से विद्यालय तो पर्याप्त है ना, लेकिन ये जो स्कूल जो यहाँ पर स्थापित है हमें बहुत समस्या होती थी अपने बच्चों को मिलकर विद्यालय के बीच में, क्योंकि इस स्तर का एक विद्यालय हमारे बीच में होना चाहिए जो चहुमुखी विकास है ना, शिक्षा भी चहुमुखी हो, यानी केवल
अल्फाबेटिकल सी में पढ़ाना या अल्फाबीटा नामा पढ़ाना या साइंस पढ़ाना या मैथमेटिक्स पढ़ाना या इंग्लिश पढ़ाना, ये केवल विद्यालय का काम नहीं होता। विद्यालय का काम होता है कि व्यक्ति के अंदर चहुंमुखी विकास उसका हो सके, सांस्कृतिक रूप से उसकी समाज के तौर पर आदर्श की स्थिति में परिवार समाज रिश्ते सपना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी नीड थी विद्यालय की हमारे मनसुख में। और मेरी दृष्टि में तो ये लगभग पूरी हो गई है। बाकी अब आप बेहतर प्रयास कर रहे हैं और भी ज़्यादा नया नीट करने कार्य करने का, तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं किसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये तो नगर पंचायत जानसठ के चेयरमैन प्रवीण भड़ाना जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर एक जरूरत थी स्कूल की, वो पर्याप्त है। लेकिन उन्होंने एक ही साथ बात उठाई है कि चहुंमुखी विकास हो। अब चहुंमुखी विकास के बारे में बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो या दूसरी चीज में हो, लेकिन क्या क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये जल्दी ही हम नगर पंचायत के चेयरमैन से क्या क्या रही उनकी उपलब्धि आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं हमारे चैनल पर। बहुत जल्द हम उनको बुलाने वाले हैं। और क्या क्या नगर की समस्याएं थी, किस पे वो खड़े उतरे हैं, क्या अभी कमियां हैं, क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, इस बारे में भी हम पल पल की अपडेट्स आपको दिखाएंगे। शीघ्र ही हमारे साथ बने रहिए। हमारी चीफ एलजी फेट ऑफ बार ऑफ न्यूज मौके पर मुख्य अतिथि ने छात्रों की सलामी भी दी। देखते हैं तस्वीरें। खुशी का दिन है क्योंकि आज हम इन्हें एक ऐसी जिम्मेवारी दे रहे हैं जिससे ये अपना एक सफल समाज सफल। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी अतिथि गणों के लिए।